तो जय मैकेनिकल। नमस्कार देवियों और सजनों, आ गए आप लोग। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। आज मैं आपको थर्मोस्टेट का पूरा वर्किंग समझाने वाला हूं, जो कि आज से पहले यूट्यूब में प्रैक्टिकली किसी ने भी खुलते हुए थर्मोस्टेट को नहीं दिखाया। सब बिल्कुल साफ है दोस्तों। एक्चुअली ये इंजन का जो आउटलेट रहता है, वाटर आउटलेट रहता है, उसके अंदर लगा रहता है, तो उसके अंदर वीडियो बना पाना किसी के लिए भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको किस तरह से दिखाया जाए, क्योंकि यूट्यूब में मैं देख रहा था तो इसपे कोई भी वीडियो उस तरह का नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिकली जो किताबी नॉलेज है वो दिया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया जाए, ताकि आपको पूरा समझ में आए बात की क्या कुछ इसमें होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्मोस्टेट क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या है। थर्मोस्टेट का मान लीजिए कि यूज आजकल लगभग हर एक इंजन में हो रहा है। जितने भी डीजल इंजन वगैरह है, जितने भी हमारे इंजन्स हैं, उसमें होता है। बड़े बड़े जो इंजन है उसका ये थर्मोस्टेट, ये जो थर्मोस्टेट है ये जो है वो किवेस्के 19C का मैं बता रहा हूं, ये 450 HP का जो है वो डंपर का इंजन है। ठीक है, खुदाई में ये काम आते हैं, डंप करने में ये काम आते हैं ये मशीन। और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये मेनली जो है वो ठंडे प्रदेश में है, जहां पर टेम्परेचर गेन करना, जितने इंजन को टेम्परेचर चाहिए, आपको पता होगा टेम्परेचर अगर कम रहता है तो इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होता है, अगर स्टार्ट भी होता है तो स्मूथली रन नहीं करता है। तो वैसे जगहों में थर्मोस्टेट काफी ज्यादा काम करता है, और बाकी जगहों में अगर देखा जाए जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहते हैं वहां पर इसकी ज्यादा जो है वो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले जो है वो लगा कर ही देते हैं। और सबसे पहले इसके काम के बारे में जान लेते हैं। इसका काम है दोस्त कि जब तक इंजन का जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो 85 डिग्री तक नहीं पहुंचता है, ये कूलेंट को इंजन के बाहर नहीं आने देते। मतलब एक कूलेंट अगर इंजन में रोटेट कर रहा है, बस उसी को वापस वो रोटेट करवाते रहते हैं जब तक कि इंजन का कूलेंट का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस को पार ना कर पाए। अगर जैसे ही 85 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये वाटर में आउटलेट में जो लगा हुआ ये थर्मोस्टेट है ये अपने आप खुल जाता है और कूलेंट को अलाउ करता है रेडी वाटर में जाने के लिए। लेकिन ये सब इतनी सिंपल नहीं है जितना कि मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये खुलते हैं। एक्चुअली ये जो बीच में आपको रॉड दिख रहे हैं, थर्मोस्टेट के बीच में जो रॉड दिख रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इसके अंदर जो है वो वैक्स भरा हुआ रहता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ये वैक्स पिघलते हैं। आपको पता होगा जब भी हमारा वैक्स पिघलता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा जगह की जरूरत होती है, और साथ ही साथ यही कारण है कि वो जो है वो अपना जो सिलेंडर है उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, रिटेनर भी लगे रहते हैं, उसके माध्यम से वो बिल्कुल फैलने लगता है। वैक्स जैसे फैलता है वैसे ही आपको जो है वो रिटेनर रहते हैं वो उसमें तनाव आता है और पूरा थर्मोस्टेट हमारा खुलने लगता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ही 85 डिग्री पहुंचता है वो वैक्स पिघलना स्टार्ट होता है, और यही कारण है कि 85 डिग्री पे ही ये खुलता है। बाकी इसमें कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान सा चीज है जो कि मैं सोचा कि आपको बता देना चाहिए। अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पे इंजन स्टार्ट करना काफी मुश्किल रहता है और इंजन को स्मूथली जल्दी से अगर चलाना है तो ये थर्मोस्टेट काफी ज्यादा वहां पे एप्लीकेबल है। वैसे ये सभी इंजन में लगे रहते हैं, चाहे वो, क्योंकि बनाने वाले को पता नहीं रहता है कि उनका गाड़ी जो है वो कहाँ पे यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स थर्मोस्टेट आपने प्रैक्टिकली देख ली है, समझ ली है, सीख ली है, तो अब ये टॉपिक आपको होता है क्लियर। जो है वो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल नया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय मैकेनिकल।